कोर्ट द्वारा पंचायत राज कानून में संशोधन पर लगाई गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस बारे में अलग अलग पार्टियों के नेताओं का विचार लगभग समान है, लेकिन कुछ नेताओं के मन में इस बात को लेकर दर्द है कि अनपढ़ लोगों के साथ अन्याय हुआ है। प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर 80% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं और अनपढ़ भी हैं, लेकिन अनपढ़ से ज़्यादा वो लोग खड़े हुए हैं। अपने अच्छे बुरे का और दूसरों का समाज में कैसे रहना है वो भली भांति इससे परिचित हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया पंचायत इलेक्शंस के बारे में, इसमें कांग्रेस सहमत है या नहीं है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग अनपढ़ हैं उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी इस फेवर में है कि जो लोग गांव में रहते हैं और जिन्होंने समाज में अपना स्थान बनाया हुआ है वो इस अधिकार से वंचित रह जाएंगे। मेरी तो यही एक इंतजार थी कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में दोबारा सोचे और इन लोगों को जो इससे वंचित रह जाए एक मौका दिया जाना चाहिए। प्रदेश का जिसमें हित सुरक्षित हो वो कार्य करती है, और माननीय न्यायालय ने इस पर मोहर लगाकर ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल जी ने जो फैसले लिए थे वो बिल्कुल सही थे। परंतु विपक्षी दल जिनके नेता भी अनपढ़ हैं, खुद भी उन्होंने गैर कानूनी काम आज तक किए हैं, ना कभी पब्लिक का हित चाहा है, वो कोर्ट में जाकर इसको अटकाते रहे हैं। माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक आया है, और आप ये समझो कि ये तो पंचायत पे लागू किया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, ये नगर परिषदों में MLAs में MP में भी लागू होना चाहिए। आज हाईटेक जमाना है, पढ़ा लिखा सिस्टम है, ग्रांट्स आती हैं, क्या विकास के कार्य होने हैं, अनपढ़ आदमी उसको नहीं समझ पाता। पढ़ा लिखा ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जिसकी वजह से ये फैसला ठीक है सुप्रीम कोर्ट का। और मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है सुप्रीम कोर्ट इसको विधानसभाओं में और MP में भी लागू करेगी। Thank you.